A very good morning to all of you, Vijay. Continuing with exercise 4.6, first question we will start with concept I have told you yesterday. The first equation we are given is x plus 2y is equal to 2. And the second equation is 2x plus 3y is equal to 3. So we are having this, and the question we are having is examining the consistency of the system of the equations x plus 2y equal to 2 and solve if consistent. Second equation is 2x plus 3y equal to 3. We are given these two equations. Inko humne pehle check karna hai whether the given system of equations is consistent or not. If it is consistent, then we are to solve it further. Means we are to find the values of x and y. कल आपको मैंने कंसेप्ट करवाया था कि इसका जो हम लेके चलते हैं दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी. ए जो है वो हमारा कोफिशियंट्स का मैट्रिक्स बनता है, एक्स जो है वो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनता है, और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उससे हमारा मैट्रिक्स बी बनता है. इफ वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, हम इधर प्री मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे विद ए इनवर्स. हमारा जो बनता है एक्स मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बी विद ए इनवर्स. तो हमें ए इनवर्स बी जो है वो कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द मैट्रिसेस दीज ऑल वैल्यूज इन द. तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है हमारी दैट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written as AX is equal to B, where matrix A coefficients से बनेगी 1, 2, 2, 3. यहाँ एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि इनको आपने जो आपके x वाले coefficients हैं वो same column में रहेंगे, y वाले coefficients same column में रहेंगे. Then x matrix हो जाएगी आपकी with the of each variables, again that will be a column matrix, and matrix B जो है that will be the column matrix, row matrix बनेगी in fact ये आपकी with the constants 2 and 3, single column, इसमें one column रहेगा. अब हमने सबसे पहले इसको check करना है if the given matrix is consistent or not. Consistent means if it is having a solution or not. तो solution check करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है. इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स जो है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, अदरवाइज नॉट. क्योंकि आपको पता है अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है देन ओनली उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा. तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं उसके लिए सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. इफ द डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम जो है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दैट विल बी कंसिस्टेंट. सो लेट अस फाइंड आउट इट्स डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट के लिए व्हाट यू विल डू, यहाँ पे 1 into 3 देन माइनस कर दोगे 2 into 2, 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है. सो 3 ones are 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. नाउ दैट इक्वल टू 0, therefore given system of equations या given pair of equations also you can say, given system of equations is consistent. Now since it is consistent, so it will be having either no solution or it will be having infinitely many solutions. So for finding out the solution, what we are to do, we will put x is equal to a inverse b. So it means सबसे पहले हमें a inverse calculate करना पड़ेगा. a inverse calculate करने के लिए first of all we have to find out adjoint of a. adjoint of a again हम क्या करेंगे, first element निकाल रहे हैं first row का. तो first row and first column इनको आप delete कर दो. हमारे पास element कौन सा बचा है यहाँ पे, 3. तो जब ये 3 बचा हमारे पास, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है हमने. देन इसकी पोजीशन क्या थी, ए 1 1, 1 plus 1 इज इवन. इवन है तो देयर इज नो चेंज इन साइन. अब मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम,
तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और जो एलिमेंट हमारा बचा ये ले लोगे आप। सो ये हमारा जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में दिस विल बी टू। अब अगेन क्या करना है, साइन चेक करना है ये पोजीशन ए वन टू। तो रो और कॉलम को ऐड करोगे, 1 + 2 = 3 ऑड नंबर है तो साइन क्या कर दोगे यहाँ पे चेंज कर दोगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा एलिमेंट दैट इज सेकंड रो एंड फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसको डिलीट करोगे। व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस टू, तो अगेन यहाँ पे टू आ जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 = 3 ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। देन जो हमारा एलिमेंट है दैट इज सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और साइन देखने के लिए चेंज होगा या नहीं, क्योंकि सेकंड रो थी सेकंड कॉलम था तो 2 + 2 = 4 इवन है तो देयर इज नो चेंज इन साइन। तो हमारे पास जो एडजॉइंट है हमारा वो क्या आ गया, दिस इज 3 - 2 - 2 and 1। अब इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो रोज को आप एज कॉलम्स लिख लोगे और कॉलम्स को एज रोज, दोनों में से कोई एक तरह का हम चेंज जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज अप्लाई कर देंगे, दिस विल बी 3 - 2 - 2 1। ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के इक्वल ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स हमें पता है दैट इज 1 upon determinant A into adjoint of A। वैल्यूज पुट कर दोगे, 1 upon determinant A हमारा -1 है, A इज 3 - 2 - 2 1। अब दिस इज इक्वल टू साइंस आप चेंज कर दोगे, -3 2 + 2 - 1। सो ये हमारे पास आ गया -3 2 2 - 1, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, ए इनवर्स। अब ये ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे और ये बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इम्प्लाइज एक्स की वैल्यूज एक्स एंड वाई है, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास -3 2 2 - 1 आ गया, बी हमारे पास 2 और 3 गिवन है। नाउ दिस इज अ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड दिस इज अ 2 by 1 ऑर्डर मैट्रिक्स, तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अगेन अ 2 by 1 ऑर्डर मैट्रिक्स, तो उनको मैं फिर इजिली कंपेयर कर सकती हूँ। अब जब आप इसका प्रोडक्ट लोगे नाउ सी दिस केयरफुली, -3 × 2 = -6, 2 × 3 = +6, तो -6 + 6। नेक्स्ट 2 × 2 = 4, -1 × 3 = -3, सो एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0 and 1। अब क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। हमारी x की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, x के सामने 0 है, y के सामने 1 है, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज 1। सी द मेथड वंस अगेन, हमें मेथड में क्या गिवन है, वी आर टू चेक इफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इफ इट इज कंसिस्टेंट वी आर टू सॉल्व इट फॉर। तो दोनों इक्वेशंस थी हमारे पास x + 2y = 2 and 2x + 3y = 3। हमने जो है पहले गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख लिया। a जो है हमारा दैट इज द मैट्रिक्स फॉर्मड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, x के कोफिशिएंट्स एक कॉलम में, y के कोफिशिएंट्स दूसरे कॉलम में। यहाँ पे x के आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, यहाँ पे 2 था तो 1 2, यहाँ पे +2 + 3 तो 2 and 3, विद साइन आपने लेके चलने हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल सभी साइन पॉजिटिव थे तो सभी हमारे एलिमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। देन x और y विदाउट साइन लेके चलने हैं क्योंकि साइंस ऑलरेडी हम इनके साथ दे चुके हैं, तो x और y यहाँ पे हमेशा आपके पॉजिटिव आए। देन b मैट्रिक्स के लिए कॉन्स्टेंट्स लेके चलने हैं, अगेन इनके आगे भी जो साइन होगा वो आप एज इट इज लेके चलोगे। अब यहाँ से कंसिस्टेंसी के लिए हमने सबसे पहले चेक करना है कि जो आपका डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0,
डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो में हमें पता है, कल मैंने आपको कंडीशंस करवाई थी, इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन. तो अब हमें यहाँ से पता लग गया कि जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी यूनिक. सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें जो है इसको यूज करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. अब ए इनवर्स निकालना है मुझे तो पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. एडजॉइंट के जो है एलिमेंट्स आपको पता है दीज आर द कोफैक्टर्स, और फिर आप उनका ट्रांसपोज ले लेते हो. अभी ये हमारे क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम ही आपके एलिमेंट्स आए हैं. देन ए इनवर्स हमने किया हुआ है, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट. तो ए इनवर्स, देन हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की थी, दिस वॉज माइनस वन, ये आपने पुट कर दी. देन एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ निकाल चुके थे, वन अपॉन माइनस वन इज माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई दिस मैट्रिक्स विल गिव यू दिस माइनस थ्री टू टू माइनस वन. हर एलिमेंट का साइन आपका चेंज हो जाएगा. अब ये ए इनवर्स आ गया, नाउ वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो वी विल यूज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. एक्स हमने जो है मैट्रिक्स एक्स वाई लिया था, तो एक्स की वैल्यू पुट की, देन ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, देन बी की वैल्यू पुट की. ये आपकी टू बाई टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये टू बाई वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है. इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो आपका फिजिबल है. तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ले लिया, देन सिंप्लीफाई करके, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल हैं ये दोनों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने इक्वेट कर दिया. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एज जीरो एंड वाई एज वन. So this was a solution of 2x2 order matrix. Question number 2 or 3 aapke 2x2 order matrix wale hi hain, so that you will do yourself. Now we will do question number 4. Question 2 and 3 are your homework parts. Question 4 ab hamara 3x3 order matrix ka hai, that we will do. इसमें से जो आपका क्वेश्चन आता है ज्यादातर इसी एक्सरसाइज में से आता है, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है. इट कैन कम ईदर डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ दी स्टेटमेंट्स ओनली, या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में भी आ सकता है आपका. पहले आपको इक्वेशंस बनानी होगी एंड देन यू आर टू सिंप्लीफाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वी आर हैविंग अगेन, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस. अब उसने यहाँ पे हमें क्या कहा है, एग्जामिन करना है कंसिस्टेंसी को. तो व्हाट वी आर टू डू, ओनली वी आर टू चेक इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो. डिटर्मिनेंट अगर इसका नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो जो आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है. उसने आगे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, तो हम सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करेंगे इसकी. हमें इक्वेशंस गिवन है x plus y plus z is equal to 1. Second equation is 2x plus 3y plus 2z is equal to 2. And the third equation is ax plus ay plus 2az is equal to 4. अब इसको हम क्या करेंगे, कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ax is equal to b. सबसे पहला काम आपने यही करना है, जब भी ऐसे equations आपको गिवन होगी तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप एक्सप्रेस कर लोगे इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी. सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पे मैट्रिक्स ए ले लेंगे. मैट्रिक्स ए जो आपकी बननी है वो किससे बननी है, कोफिशिएंट्स से बननी है. तो पहले ये मैंने x के कोफिशिएंट्स लिख लिए एक रो में 1 2 a, अब सेकेंड रो में 1 3 a, थर्ड रो में 1 2 and 2 a. सो दिस इज 1 3 a और लास्ट में आ जाएगा 1 2 2 a. ये मैट्रिक्स आपकी a हो गई. अब मैट्रिक्स a में कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं, यहाँ पे अब वेरिएबल्स हम लिखते हैं. यहाँ पे वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स और इसको हमेशा आपने सिंगल कॉलम के फॉर्म में लिखना है, वन कॉलम आपका बनेगा. एंड दिस इज इक्वल टू अगेन मैट्रिक्स बी भी आपकी 1 2 4 कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स से बन जाए. तो ये हमने गिवन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था उसको इस फॉर्म में लिख लिया कि ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म. अब हमने यहाँ पे क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट ए चेक करना है. इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो
देन जो आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे एंड इट विल बी कंसिस्टेंट. सो लेट्स चेक यहाँ पे वेयर मैट्रिक्स ए आपकी 1, 2, 1, this is 1, 3, 1, this is 1, 2, 2, 1, x आपका है x y z and b है आपका 1, 2, 4. अब हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है. सो डिटर्मिनेंट ए किसी भी रो या कॉलम से आप कैलकुलेट कर लोगे. मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लेती हूँ, expanding by row 1. So this is 1 in. ये row और ये column छोड़ दोगे. This is 3 2 6 a minus 2 a. That is 4 a. Determinant आपको निकालना आता है तो मैं directly लिख रही हूँ. उसके बाद plus minus. Minus का sign इसका लगना है क्योंकि first row और second element है तो 1 plus 2 आपका odd होता है. Odd के लिए negative sign लगता है. तो प्लस का साइन पहले के साथ, देन सेकंड के साथ माइनस का साइन, फिर ये 1. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आप डिलीट कर दो और हमारे पास क्या रह गया, 2 2 4 a minus 2 a, दैट इज 2 a. अब थर्ड वाला प्लस 1 इन थर्ड रो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो. दिस इज 2 a minus 3 a, दैट इज माइनस a. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 a minus 2 a minus a. This is 4 a minus 2 a minus a is a. अब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू देखो मेरे पास क्या आ गई, this is a. अब क्योंकि यहाँ पे मुझे ये आपको गिवन है ax plus ay plus 2az equal to 4 और a जो है अगर आपका जीरो हो जाता है तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या बनता है, 0 is equal to 4, which is impossible. It means a है that will not be equal to 0. क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये वैनिश हो जाएगी. तो इसलिए a जो है आपका that will not be equal to 0. अब ये a आपका 0 नहीं आ रहा, it means आपका जो determinant है वो exist कर रहा है. Determinant जो है वो exist कर रहा है, that is a non-zero quantity. Therefore the given system of equation is given. System of equations is consistent. और आप चाहो तो यहाँ पे ये वाला reason mention कर देना कि if a is equal to 0, then third equation gives 0 is equal to 4, which is impossible. Which is impossible. जीरो कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता. सो इसको हम जो है a को लेके चलेंगे कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो सिर्फ हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक करनी थी. यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा, आगे हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. दोबारा देखो इसको, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन था. पहले हमने इसको ax equal to b की फॉर्म में लिख लिया, वेयर मैट्रिक्स a आपकी कोफिशिएंट्स से बनी है, मैट्रिक्स बी एक्स जो है वो वेरिएबल्स से बनी है, मैट्रिक्स बी जो है आपकी दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कांस्टेंट्स. अब हमने डिटरमिनेंट ए जो है वो कैलकुलेट करना है. डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट किया हमने, दैट इज इक्वल टू ए. अब ए जो है हमें चेक करना है वेदर इट कैन बी जीरो और नॉट. तो यहाँ से मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हर उसमें एलिमेंट के साथ, हर वेरिएबल के साथ ए है, हर टर्म में मेरे पास ए है, तो मैंने यहाँ ए को जीरो पुट किया. अगर a को मैं 0 पुट करती हूँ, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, 0 plus 0 plus 0 इज अगेन 0. तो दैट विल गिव मी 0 is equal to 4, विच इज इम्पॉसिबल. ये आप रीजन दे दोगे, सो a जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता. अब a क्योंकि नॉन जीरो है तो इट मीन्स जो आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है दैट इज कंसिस्टेंट, इट विल बी हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन. जब भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है मीन्स इट इज हैविंग अ unique solution. अभी फिलहाल उसने consistency पूछी थी, तो we have written that it is consistent. Question number 5 आपका बिल्कुल same है, examine the consistency. तो उसमें भी आपने सिर्फ इतना ही check करना है. Question 5 में आपका जो determinant है वो 0 आएगा. Question number 5 में जब आपका determinant 0 आएगा, आपको मैंने
कल दो चीजें और करवाई थी, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, तब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, इफ डिटर्मिनेंट ए जीरो होता है तो एडजॉइंट ऑफ ए को हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट से नहीं करेंगे अदरवाइज दैट विल बी जीरो ओनली. डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो है तो वी यूज टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये भी नॉट इक्वल टू जीरो आपका आ जाता है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आया तो इट मीन्स कि देयर इज नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मीन्स जो आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है दैट विल बी इनकंसिस्टेंट. अगर ये इक्वल टू जीरो आता है देन द इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. आप क्वेश्चन नंबर फाइव जब करोगे तो उसमें आपका डिटर्मिनेंट ए जीरो आएगा, आपने क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स नहीं होगी वो आपकी, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा तो आप लिख लोगे वहां पे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो आपका इनकंसिस्टेंट है. तो क्वेश्चन नंबर फाइव में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट दैट विल बी इक्वल टू जीरो, देन यू विल फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे और वो आपके पास एक नल नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगी, दैट विल नॉट बी अ नल मैट्रिक्स. अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो लास्ट में आप लिख दोगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट. तो दैट इज योर होमवर्क पार्ट, क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑल्सो इज योर होमवर्क पार्ट. Question 7 is again a 2 by 2 order matrix wala hai. That is also homework part. 8 also you can do yourself. Iske baad question 9 bhi same hai. 10 is also same. So all of these are your homework parts. Sabse pehle aap determinant check kar loge. Non-zero aega. Inverse nikal ke. Phir unko multiply kar loge. Ab main question number aapko 11 karwa rahi hu. Solve the system of linear equations using मैट्रिक्स मेथड. यहाँ पे आपकी जो जैसे थर्ड इक्वेशन है उसमें आपकी जो एक्स वाली टर्म है वो मिसिंग है, तो इस तरीके से जो भी आपकी एक वेरिएबल वाली टर्म अगर बीच में मिसिंग आ जाती है तो उसको आप जीरो ले लोगे. जैसे अगर आपका यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में एक्स वाली टर्म मिसिंग है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरो एक्स करके लिख सकते हो या डायरेक्ट वहां पे वेरिएबल लेते हुए मैट्रिक्स फॉर्म करते हुए डायरेक्टली आप उसको जीरो लिख सकते हो. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. We are given solve the system of linear equations using matrix method. Using matrix method मतलब जो अभी हमने ये किया था x is equal to a inverse b वाला method, same method we are to use. तो अब इसमें जो है हमें उसने ये नहीं कहा कि check if the given system of equations जो है वो consistent है या नहीं है, but मुझे पता है कि जब तक वो consistent नहीं होगा तब तक मुझे आगे solution निकालने की जरूरत नहीं है. तो पहले मुझे कंसिस्टेंसी चेक करनी ही करनी है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन्ड है चाहे नहीं है. सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी अगर लिखा आ रहा है देन आल्सो यू आर टू चेक इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट. अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है यू विल बी हैविंग द यूनिक सॉल्यूशन. सो फर्स्ट इक्वेशन जो मुझे यहाँ पे गिवन है दैट इज 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1. सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 2y minus z is equal to 3 by 2 and the third equation is 3 y minus y 5z is equal to 9. अब given system of equations में third equation में x वाली term मेरे पास missing है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ, zero आप किसी में भी add कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मेरी अब variables तीनों के तीनों आ गए इसमें. अब again given system of equations can be written in the form of ये जो लिखना ही इतना है आपने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, आप इसको यहाँ पे लिख दोगे मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में और फिर यहाँ पे नीचे लिख दोगे वेयर ए जो आपकी मैट्रिक्स आएगी देन ए एक्स आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड एंड देन आपका आएगा 1, 3 by 2 and 9. Matrix A देखो,
आपने इसके एलिमेंट्स को लेके चलना है, कॉफिशियंट्स को लेके चलना है. सो फर्स्ट एक्स वाले जो है कॉफिशियंट्स 2, 1 एंड 0, नेक्स्ट 1, -2, 3, उससे अगले 1, -1 एंड -5. सो दिस इज 1, -2, 3, 1, -1 एंड -5. ये आपका x, y, z और ये आपका 1, 3/2 एंड 9. अब मैट्रिक्स ए आ गई हमारे पास, ये 2, 1, 1, 1, -2, -1, 0, 3 एंड -5. सबसे पहला काम हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. तो डिटर्मिनेंट हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस वाले रो या कॉलम में हमारा जीरो होता है हम उसे लेके चलते हैं. तो मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर रही हूँ इसको, एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 1. 2 × फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया. बाकी हमारे पास क्या बचा यहाँ, -2 × -5, दैट इज +10. 1 × -3 is -3, उसके पहले नेगेटिव साइन लगना ही होता है, वो आप चेंज कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 10 + 3, दैट इज 13. देन सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस का साइन आपका लगना ही लगना है. अब सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को आप डिलीट कर दो. दिस इज -5, -3, -×-, आपका +3 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका -2. सो आपका यहाँ से जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एक मिनट यहाँ पे कुछ -8 आए, दिस विल बी माइनस, सो दिस विल बी 26 + 8, दैट इज 34. डिटर्मिनेंट ए जो है हमारे पास आ गया 34. अब डिटर्मिनेंट जो है आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इट मींस जो आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है. गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. नॉट इक्वल टू जीरो पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. अब हम इसको सॉल्यूशन हमने निकालना है, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे. एडजॉइंट ऑफ ए, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोफैक्टर्स लिख रही हूँ. फर्स्ट रहेगा 13, सेकंड विल बी 5, थर्ड विल बी 3, उसके बाद नेक्स्ट आएगा 8, देन -10, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशंस बचे, देन -6, देन इट विल बी 1, इट विल बी 3 एंड द next one will be -5. 13, 5, 3, 8, -10, -6 and iska transpose de loge aap, so we will be having this as 13, 5, 3, 8, -10, -6, third row ko third column ki form mein aise. So this is adjoint of A. ab adjoint of A aa gaya mera, inverse nikalna hai, to adjoint ko hum kya karenge, isse divide kar determinants. डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला है, 34. सो दिस इज 1/34 इन 13, 5, 3, 8, -10, -6, 1, 3, -5. अब x इज इक्वल टू a इनवर्स b. a इनवर्स 1/34 इंटू 13, 5, 3, 8, -10, -6, 1, 3, -5. Into B matrix है मेरे पास 1, 3/2 and 9. अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ले लोगे, 1/34 में अभी एज इट इज रख लेती हूँ. अब इनका जब आप प्रोडक्ट लोगे, 13 × 1 is 13, आपकी ये जो मैट्रिक्स आएगी ये 3/1 ऑर्डर की आएगी. यहाँ पे आपका ऑर्डर 3/3 है, यहाँ पे आपका इसका ऑर्डर 3/1 है, तो 3 और 3 ये सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 3/1, यानी कि 3 rows and 1 column. अब इनको मल्टीप्लाई करो, 13 × 1 is 13 प्लस
8 into 3 by 2 is 12 plus 1 into 9 is 9. तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट इसका आएगा दैट विल बी 1/34 इंटू 34. अगली सेकेंड रो हम लेते हैं. अब यहाँ पे 5 माइनस 15 हो जाएगा ये और प्लस 27. 5 माइनस 15 प्लस 27. 32 माइनस 15 आपका आ जाएगा 70. अब थर्ड रो लेके चलो 3, ये हो जाएगा आपका माइनस 9 एंड दिस इज माइनस 45. 3 माइनस 9 माइनस 45 दिस विल बी माइनस 1. अब बाहर 34 है हमारा, तो 34 जब हम अंदर लेके जाएंगे तो पहला वाला एलिमेंट 34/34 विल गिव अस 1, सेकंड वाला एलिमेंट विल गिव अस 1/2 एंड थर्ड वाला जो एलिमेंट है दैट विल बी माइनस 51, तो माइनस 3/2. और इधर हमारा है एक्स वाई एंड जेड. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर दोगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज हाफ एंड जेड इज माइनस 3/2. सो ये आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई. 3/3 ऑर्डर में भी सेम, आपने सबसे पहले जो है इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख देना है, फिर ए एक्स और बी मेंशन करोगे क्या क्या मैट्रिसेस हैं, देन डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे ए का. डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, अगर नहीं भी याद रहता ना डिटर्मिनेंट किसका कैलकुलेट करना है, आपको पता है कि ये आपकी जो है जो मैट्रिसेस हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है तो इनका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होगा. दिस इज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसी का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है. दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर आ रहा है तो आपका जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. फिर आपने एडजॉइंट निकाला, इनवर्स से डिवाइड, ए इनवर्स निकाल लिया, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया एडजॉइंट को, फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में वैल्यूज पुट की, इक्वेशंस इन मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई किया एंड सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में जो दो मैट्रिसेस रह गई उनको कंपेयर करके आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं बच्चे. दो दिन दूंगी मैं आपको इनको करने के लिए, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है. अब मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में देखो हमें क्या गिवन है. हमें गिवन है इफ ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये मुझे गिवन है कोफिशियंट्स वाली, ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है. उसने मुझे क्या कहा, आई हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स और फिर यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब इसमें हमने उल्टा काम करना है. इसमें हमने क्या करना है, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, हमने सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेना है. ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले अगेन आप चेक करोगे इफ डिटर्मिनेंट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ओनली ए इनवर्स एक्सिस्ट. तो पहले आप डिटर्मिनेंट चेक करोगे दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, फिर आप ए इनवर्स लिख लोगे, फिर ए इनवर्स जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. यानी कि ये पार्ट हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पहले और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की जगह है. ये हमारा फर्स्ट स्टेप बन जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है. ये मेरा सेकंड स्टेप बनेगा और फिर उसके बाद ये आपका थर्ड स्टेप बनेगा. तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ये इनवर्स वाला भी आपका फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट बनेगा, ये सेकंड पार्ट में लिखेंगे हम एंड देन थर्ड पार्ट में वैल्यूज पुट करेंगे. क्योंकि अब मुझे मैट्रिक्स ए जो है वो गिवन है, नो डाउट की इक्वेशंस भी मुझे गिवन है. जो आप इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को जब आप कंपेयर करोगे तो दैट विल बी सेम एज योर मैट्रिक्स ए. तो मतलब क्वेश्चन जो है वैसे आपका सेम है मेथड, बट जो स्टेप्स हैं वो आपके आगे पीछे होंगे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15. मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है 2, 3, 1 माइनस 3, 2, 1 5 minus 4 minus 2. जो इक्वेशंस मुझे गिवन है दैट इज 2x minus 3y plus 5z is equal to 11. सेकेंड इक्वेशन गिवन है 3x plus 2y minus 4z is equal to minus 5.
And third equation है minus x plus y minus 2z is equal to minus 3. अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे plus 1, तो here also it may be plus. अब यहाँ ध्यान दो, इनके coefficients को चेक करो, 2, 3, 1, 2, 3, 1, minus 3, 2, 1, minus 3, 2, 1. 5 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 4 माइनस 2. यानी कि जो मैं यहाँ से मैट्रिक्स ए बनाती थी पहले खुद, वो अब मुझे गिवन है. इसीलिए जो आपका स्टेप 2 था वो 1 बन जाएगा और जो 1 था वो 2 बन जाएगा. उसने हमें क्या कहा है, ये मुझे गिवन है, फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो पहले मैं इससे ए इनवर्स फाइंड आउट करूंगी. ये 2 3 1 2 3 1, ये इसके कॉफिशियंट्स जो है वो सेम मैट्रिक्स ए बना रहे हैं, तो यहाँ मुझे खुद से फॉर्म नहीं करनी पड़ी, मैट्रिक्स गिवन थी ऑलरेडी. तो यहाँ से हम डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले डिटरमिनेंट अब मैं डायरेक्टली लिखती हूँ यहाँ पे, डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी आपकी 0 - 6 + 5 - 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एक्स. जब भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो इट मींस इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आपका एग्जिस्ट करेगा. अब एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है. अगेन ओके, आई थिंक योर टाइम इज ओवर, 9:07 हो गए हैं. यू विल बी हैविंग योर नेक्स्ट क्लास, सो आई एम जस्ट एंडिंग द मीटिंग. वी विल डू दिस क्वेश्चन टुमारो, कल हम ये करेंगे. जो मैंने आपको होमवर्क पार्ट्स दिए हैं, यू आर टू डू दैट पार्ट्स, एंड इफ एनी डाउट विल बी देयर देन यू कैन आस्क. यू कैन लीव द मीटिंग बच्चे. थैंक यू, हैव अ